दीवानगी 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 है ये, ये दीवानगी है। जहां दिल फैसले लेता है, दिल हमें उस हद तक ले जाता है जहां दिमाग सोच भी नहीं सकता। आज की कहानी कानपुर की है, जहां मोहब्बत हुई एक कहानी लिखी गई, लेकिन इस कहानी को आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहानी में प्यार ही प्यार है, लेकिन जहां प्यार नहीं है वहां वो है जिसे देखकर आप थर्रा जाएं। हमने कहा तुम्हारे उसकी क्या है ये बता दो, हंसी मजाक में ना बताना भाई, बहुत सीरियस है। कहती है सोनू हमारे उसके तुम्हारे सर की कसम, तुमको एक बार बता दे, तुमको चाहते है यही चीज हकीकत है। चिड़िया घर के पास भी मेरे साथ आई थी, आपके लड़के साथ भी पूछ लीजिएगा कभी। उसके बाद हम एक डेढ़ साल में बताइए उस लड़के से संबंध है तो मेरा फ्यूचर क्यों बर्बाद किया आपकी बहन ने? वो लड़का था डेढ़ साल से आपकी बहन के पैर। प्रदीप उर्फ सोनू अपनी माँ और दो भाइयों के साथ कानपुर के साकेत नगर में पिछले 15 साल से किराए पर रह रहा है। बचपन से जवानी तक के सफर में उसकी मुलाकात घर के मालिक सूर्यकांत त्रिपाठी की छोटी बेटी सुप्रिया से। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। क्या हुआ जनाब? अरे कुछ नहीं, बस ये हुई। ये हुई क्या? बताओ बताओ। वो हाँ किराया देने आया था। तुम्हारा किराया? किराया देने आए थे? हाँ किराया भी देने आया था। और आज तुम बहुत खूबसूरत भी लग रही है। खूबसूरत कब नहीं लगती? हमेशा लगती है। चलो कहीं घूम कर आते हैं। हाँ उसकी मटका कुल्फी खाते चलते। मटका कुल्फी? कभी मूंगफली, कभी मटका कुल्फी, कभी शॉपिंग वॉपिंग मॉल के बारे में भी सोच लिया करो। अब शॉपिंग मॉल भी लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। प्रदीप ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। तंगहाली के दिनों से अब तक के सफर में वो अपनी जिंदगी से कभी निराश नहीं हुआ। उसने अपने बलबूते प्रॉपर्टी के धंधे में हाथ आजमा कर अपनी किस्मत को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का सफर शुरू किया। इस सफर में उसे हम सफर के तौर पर दिखाई दी सुप्रिया त्रिपाठी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने करियर को मकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रखा था। कानपुर के DBS कॉलेज से BSc की पढ़ाई के साथ साथ वो कई कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। भाई जी हमारा उससे डेढ़ साल से एक साल 7 महीने से अफेयर चलता था, मतलब मिलने मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे साथ में। हाय दीपक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारा फॉर्म जमा हो गया है। आप तो खुश हो ना? ओह रियली, मेरा फॉर्म जमा हो गया? मुझे विश्वास ही नहीं होता। दीपक सिंह चौहान नाम है मेरा, जो वादा करता हूँ उसे पूरा भी करूँ। ये तो मानना ही पड़ेगा, तुम हो तो बड़े काम के। तभी तो यार तुम पे विश्वास करती हूँ। अच्छा भाई मैडम, बहुत होगी भरोसे की बात। जरा इस पापी पेट के बारे में भी कुछ सोचें, बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो ना कुछ खाते हैं चलकर। ठीक है चलो चलो, चलो कुछ खाते हैं चलकर। इंटरमीडिएट से साथ साथ पढ़ रहे दीपक और सुप्रिया DBS कॉलेज से BSc भी एक साथ कर रहे थे। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती के साथ एक अच्छी समझ भी पनप चुकी थी। यही वजह थी कि सुप्रिया दीपक के साथ मिलकर अपने करियर को एक नई दिशा देने में लगी हुई थी। इस कहानी में 3 किरदार हो गए, नंबर 1 प्रदीप, नंबर 2 सुप्रिया, नंबर 3 दीपक। किसी भी कहानी में जब त्रिकोण बनता है हर कोण अपना दबाव बनाता है। अब देखते हैं कौन टूटता है कौन जुड़ता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।